नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। देश और प्रदेश में ही महिला ना तो घरे में ना घरे से बहरे न मैं सार्वजनिक स्थानों में सुरक्षित आही। अपने बता दी कि यह सनसनीखेज मामला हवे रीवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से, जहां के इंटरसिटी ट्रेन के गार्ड के बोगी में महिला के साथ दुष्कर्म कीनगा। अपना का बताई कि जो ने महिला का हवस का शिकार बनावा गा है, उस सीधी जिला के चुरहट थाना क्षेत्र के रहने वाली आही। आरोपी महिला का बंधक बनाए के ट्रेन के गार्ड के बोगी में ले जाए के वारदात का अंजाम दिस, जोने के बाद फरार होगा। वह घटना के जिगर केहू से कराए खातिर जान से मारे के धमकी दिस, जोने के बाद पीड़िता चुराटा थाना पहुंची और अपन आप बीती पुलिस का सुनाई। जोने के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ गाली गलौच मारपीट और जान से मारे के धमकी और दुष्कर्म के धारण के तहत मामला का पंजीबद्ध करें। अपना बता दें कि महिला अपराध में जहां अपन जिला नंबर 1 बनत जा रहा है, वहाँ महिला अब घरों में सुरक्षित नहीं आई। साथ ही रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों में यमे घटनन का अंजाम दई के मानवता का शर्मसार कीनगा हबै। नहीं, दुष्कर्म नहीं किया गया, दुष्कर्म की कोशिश की गई है। इसमें रात के 10:30 बजे के आसपास वो अपना ड्यूटी में मिला। सर किस प्रकार क्या व्यक्ति आकर के उनसे अटेम्प्ट टू रेप किया, उनके प्रोटेस्ट करने पर उसके साथ मारपीट की, उठा वहाँ पटक दिया और उनको टीथ बाइट किया है। बुलेटिन के अगली खबर रही रीवा के काफी हाउस है, जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा पत्रकार वार्ता करें। उमा बताएं के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र जौन हबै पहले से ठेकेदारन के मनचाही कमाई के जरिया बना हबै। यह बताएं के विधायक के पितृ पार्टी 3 साल से बदमिजाजी और गुंडागर्दी के पर्यायवाची बने हमा, पर असल कमाई अजवो पहले के विधायक अभय मिश्रा ले ला हमा। साथ ही जानकारी दीन के जौन बीड़ा से मरिया मार्ग 50 किलोमीटर के जोने का 2019 फरवरी में स्वीकृत कीन गा रहा है, ओकर ठेका श्रीजी कंपनी का दीन गा रहा, जौन के अभय मिश्रा के सहायक कंपनी आए और टेंडर का पुन के बिलन में टेंडर मिला है। जोने से यह समझ में आवल रहा है कि यह तो उभय में के राजनीति कर रहे हैं, जो में के राजनीति पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला पिछले 15 साल से कर रहा हमा। एक सड़क ये भी एक मामला मैंने दिया है, ये मैंने लिखा है कि पूर्व विधायक अभय मिश्रा सिमरिया के विकास के नाम पे जो है खुद का विकास कर रहे हैं। मेरा स्टेटमेंट है ना, आप लोग अभी तक बोलते थे कि प्रमोद शर्मा जो है क्यों नहीं बोलता उनके खिलाफ, तो उनके खिलाफ इसलिए बोलते क्योंकि उनकी एंट्री नहीं थी। अब एंट्री सिमरिया में उनकी हुई है, सिमरिया में एंट्री ऐसी हुई है या बीजेपी के ही कार्यकर्ता उनके साथ में गाँव में कार्यक्रम करा रहे हैं। इसका मतलब यह है, अब दूर से मेरे को भोपाल से संदेशा है ये कि अब बहुत जल्द केपी त्रिपाठी की टिकट कट गई है, अब उनकी जगह पे अभय मिश्रा वापस जो है बीजेपी की सीट से ही चुनाव लड़ लेंगे, ऐसा मेरा जो है ये अनुमान है। एक कंपनी है, देखिए मेरे हाथ पे कागज है, ये मैंने आरटीआई से निकाली है, ये कागज जो है जो यहाँ पर मिला है ये जो है श्रीजी कंपनी को मिला हुआ है जी। सरल सर जी, फिर आए तो नहीं रहा हुआ औरत का लेके, हम गए रहे लोगों के पास आदमी लेके, हाँ आए तो नहीं रहा, फिर नहीं आया था ना औरत को लेकर शिकायत कराने। नहीं, अपना जब कल सुबह हमको फ़ोन किया था ओके बाहर, हम ओके उसके पास गए अपने आदमियों को लेके, दबाव बनाए कि भाई तुम काय कर रहे हो, तो उसने कहा कि वो बार बार विधायक जी और मंडल अध्यक्ष जी का फ़ोन आ रहा है, तो बोला कि हम तो किसी हाल में नहीं जाएंगे तैयार थे, हाँ, और मेरे ऊपर दबाव बना के भेजा जा रहा था। तो बोले आपको किसने कहा, हमने कहा हमको अगर फ़ोन आया, फिर हमने लास्ट में बताया कि भाई तुम जाने वाले हो और जबरदस्ती टीआई साहब ने हमसे कहा। हम देख भी रहे थे जब परसों उस दिन मैं बैठा था थाने में 4 तारीख को, तो बार बार आपके पास फोन ही नहीं कर रहा था, अपना काबो भैन हाँ कि दबाव है क्या करूँ, हाँ पर देखिए हम नहीं, हमने किसी से नहीं कहा, हम क्यों कहेंगे किसी से। अब आपने तो अजय को फोन किया था, तो फोन किया था, हाँ अजय शुक्ला को भी आपने बताया था, अजय ने हमको फोन किया था, हम जा रहे हैं तो वाले बंदे में, तो बोलने का तो अपने को ये करना है कि वहाँ दो चार लोगों को वहाँ बयान करवा दो जिससे नौकर है, हाँ जी है ना, हाँ तुम नहीं थे, तुम थे नहीं,
नहीं मैं तो वैसे भी नहीं था, मैं तो मझगवा में था सुरे का। आया नहीं दे, अरे वो न्यायालय वाला काम होता है। अच्छा, न्यायालय ही निपटाएगी और पता नहीं कितने साल लगे। हाँ हाँ है ना, तो उसमें ये उनके बयान में ये स्पष्ट आ जाए कि भागीरथ नहीं थी जी, है ना, और जितने बातचीत हुई आने जाने का उसने 400 रुपये दिया। हाँ ठीक है जी, और विवाद हो खुद लगा था कि सारे तुम लोग लोकल के पैसे क्यों लेते हो, इस टाइम से बयान करवाओ अपने स्टाफ से। हाँ अपने स्टाफ से करवा दो जी, और इलाज करे करवा दो कि भाई उस समय ये भी था। हाँ तीन चार लोग बयान हो जाएंगे जी, ठीक है तो मैं कर, ठीक है मैं स्टाफ का करवा दूंगा बयान, लेकिन मेरे को जो मोहरा बनवा रहे हैं वो दबाव बना रहे हैं विधायक जी के, जी गलत बता रहे हैं। अरे वो हमने बता दिया कि भाई मौके पर वो तो था नहीं, तो बोले वो तो बोल रहे बोलने से मतलब नहीं होता, आरोपी को बोल रहे। मेरे यहाँ की आदरणीय कैमरा लगा, वीडियो कैमरा लगा है, तो कैमरा कहाँ निकलवाना है हमने, वो हमने बोला ना कि भाई अगर वीडियो सीसी कैमरे में आएगा। हाँ हाँ है ना, हाँ। थोड़ा सा अपने यहाँ लोकल वालों से नहीं अच्छी किसी दूसरे के माध्यम से जी, अरे तो लोकल वालों में से किसी बीजेपी के नेताओं में है ना अपने से। हाँ है ना, तो कहलवाना पड़ेगा विधायक को, कहलवा दें उनसे ये कहलवाओ कि यार कहे इतनी बेची सी टी आई से करवा रहे हो ऐसा। हाँ वोट चलना है अपने का, समझा करो जी, है ना, अभी ये अपने को देखना है, अभी मिश्रा को नहीं देखना, हमको अपना अपने को देखना है जी जी, समझ रहे जी। और कौन से बोल रहे हैं, हमने तो ये बोल दिया भैया समय आने पे ऐसा नहीं है कि भागीरथ आपका विरोधी रहेगा। हाँ अभी जैसा समय है वैसा आदमी कर रहा है जी जी, जैसा किया है जिंदगी भर, और समय अगर आएगा और आपका की आवश्यकता, आपको आवश्यकता अगर होगी जी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो ब्राह्मणवादी हैं जी जी, इस टाइम से थोड़ा सा करवा सकते तो वो भी करवा दो। चलिए ठीक है, तो बीजेपी के कौन कौन नेता का ढूंढ ही थे तो हम वो अपनी रहे या ना रहे कि अब सीआई बोलो। हाँ नहीं हम ना बोलेंगे आपके लिए, तो ब्राह्मणवादी किसको बोल देते हैं? अरे उनको बोलना है कि मतलब भाई आज तो चुनाव है नहीं, हाँ चुनाव तो 2023 में है। हाँ और जब जैसी अगर आवश्यकता पड़ेगी मेरी मदद की तो मैं अंदरूनी करूँगा जी केपी की। हाँ जब जरूरत पड़ेगी भाई, हम कोई अभी बाउंड नहीं भर रहे जी जी जी, है ना, बोलना है मतलब आदमी दबाव तो इसलिए डालता है ना जी जी कि भाई ये मेरे फेवर में आ जाए जी जी, यही रहता है ना भाई। हाँ इसीलिए तो दबाव डाल है ना बार बार, कहीं हमको नगर पंचायत में हमारे उसमें भवन में टैक्स में भेजेंगे, होटल में तो कहीं कहीं भेजेंगे, कहीं टोल में, बहुत परेशान करते हैं। वही बात है कि भाई अब वो उसको नहीं देख रहे, उसको अब जो बाजार बैठकी का चल रहा है उसको नहीं देख रहे, जो 50 से 60 हज़ार रुपये डेली आ रहे हैं वही बता रहा है कि अगर उनको ये देखना नहीं होता कि अभय मिश्रा की बिल्डिंग देखेंगे और तुम्हारी देखेंगे जी, कोई ना कोई अपने क्षेत्र के अपने लोग गाड़ में उंगली करते हैं जी जी। हाँ बिल्कुल करते हैं, है ना जी, तो अपने को भाई बचाव करना है, तैर के नदियां पार करना है बिना FIR जी, है ना, क्योंकि अपन राडर पर पहुंच चुके हैं जी जी, है ना जी। अच्छा है कि केस में मामला कायम नहीं हुआ है जी, है ना जी, तो अपन बच रहे हैं जिला बदल जी, वाई फाइल 2 बार बुलवा चुका एसपी। बिल्कुल बिल्कुल खुलवाया होगा तो लगा कि किसी हाल में मुकदमा कायम कराओ, इसको जिला बदर कराओ, 2 बार 3 बार हमारे ऊपर मुकदमा जबरदस्ती लगवा चुका वो। हाँ तो 2021 में अभी बचे रहे, हाँ तो उसमें बच रहे हैं अपन जी जी, है ना, और अपने को बचना है यार, वो जवाना दौड़ा की जवानी है वहाँ जबरदस्ती होता रहे जी जी, और आदमी अपनी अपनी बचत करता है जी जी, है ना, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करके हमें फायदा उठाना था, अपना नाम कमाना था, तब वो भी कमा चुके, अपना धंधा भी कमा चुके जी जी। अब समझदारी ये है कि भैया जैसे ही हवा चले वैसे निकलना के अपने परिवार को जी, कोई कष्ट ना हो अपने कारण जी जी, है ना, तो ऐसा कर लो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है दरणी, ठीक है चल। इस संसार में ही
मनई के जीवन क्षणभंगुर है। जौने के कारण लोग अपने पीछे अपने लड़का बच्चन के भविष्य खातिर बीमा करावा था। जौने से उनके जाए के बाद उनके बच्चन खातिर बीमा कंपनी से जौन पैसा मिला है वह उनका सहारा बने। आप हम बताइला है सहारा इंडिया में निवेश करे वाले निवेशकन के बारे में, जे कई एक वर्षन से अपने खून पसीना के कमाई के एक हिस्सा सहारा इंडिया के योजना में निवेश करें पाए। अवधि का पूरी भय 3 साल होगा। एक माने यह कि अपने पैसा खातिर 3 साल से निवेशक एजेंट और कंपनी कार्यालय के चक्कर काटा लहमा तक डेथ क्लेम तक नहीं दिया जा रहा। 3 साल हो गए 2019 का डेट क्लेम में सर, अभी तक डेट क्लेम तक नहीं दिया गया है। समझ नहीं आया, वहाँ जाते हैं तो कहते हैं फंड आएगा तब मिलेगा पैसा। 2018 सर 2019 से मैच्योरिटी मेरी पड़ी और अभी तक आज पैसा नहीं दिया गया। अब कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ही गायत्री नगर में रहे वाले ट्रांसपोर्टर प्रकाश सिंह के हत्या के खुलासा पुलिस अब कई दिन ये हत्या के खुलासा पुलिस के अधीक्षक नवनीत भसीन कंट्रोल रूम में करें। अपने बताई दी कि 1 जनवरी का ही रात में बदमाश चाकू और पत्थर से कूच के सीधे के बगवार के रहे वाले ट्रांसपोर्टर प्रकाश सिंह पिंटू का ही मौत के घाट उतार दिए रहे। हम 1 जनवरी की रात को एक घटना हुई थी। एक ब्लाइंड मर्डर था और मैं जो मृतक है उसका नाम प्रकाश और पिंटू एक अपनी पार्टी से लौट रहे थे। उस दौरान किराए पर इनकी मुलाकात उन दो लड़कों से हुई, गौरव तिवारी और नीलेश, जिन्होंने इनके शुरू में परिचय आपस में होने के बाद किसी मुद्दे को लेकर इनका झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा बढ़ता गया, जिस कारण से मारपीट और फाइनली फिर इनके ऊपर चाकू से वार और पत्थर से वार करके इनकी हत्या कर दी गई। गुरुवार का ही मऊगंज में MCC क्रिकेट प्रीमियर लीग के भव्य कार्यक्रम के समापन भा, जहां प्रीमियर लीग में ही MCC मऊगंज बनाम डगडौआ के बीच ट्रॉफी पर कब्जा करे खातिर मुकाबला भा। जोने माही MCC मऊगंज की टीम विजेता रही। समापन में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, अध्यक्षता सुखेंद्र सिंह बन्ना करीन। वहाँ पूर्व विधायक मऊगंज के हाथे विजेता के टीम का ट्रॉफी और 21,000 रुपया नगद पुरस्कार दीनगा। 11 तिवारी और राकेश सिंह की सौजन्य से इस समय में ही सतना के होमगार्ड कार्यालय के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट इंदल कुमार उपनारे चर्चा के विषय बने। हम होमगार्ड के शिकायत कई एक बेर भय पाए, आज तक उनके ऊपर कोनो बेर के कार्रवाई नहीं करी गई। आज एक तरकीब उनके शिकायत करें होमगार्ड सैनिक राम कलेश कोल, जो बताएं कि 2 दिन के छुट्टी मांगे खातिर कमांडेंट उपनारे के लगे गए रहे, लेकिन कमांडेंट उपनारे उनके साथ गाली गलौज करें, उनका मारो पीट करें। साथ ही सैनिक यह बताएं कि कमांडेंट उपनारे के लगे जाए तो कौनो काम बिना पैसा लिए नहीं करता ही। ये हमको कमांडेंट ने मारा है, हम छुट्टी के लिए गए थे, हमारे पिताजी की जी तबीयत खराब है जी, तो मेरे बाप कहन कि बेटा छुट्टी ले लो 2-3 दिन की फिर आ जाना, तो मैं छुट्टी ले गए थे जी। तो कमांडेंट ने आके डंडे से मेरे को मार पेट किया है। रीवा माही स्वच्छ भारत मिशन 2022 के तहत हनुमाना नगर परिषद स्वच्छता के अभियान चलाये। यही क्रम में आज शासकीय कन्या विद्यालय हनुमाना और सेठ रघुनाथ प्रसाद महाविद्यालय माही छात्र छात्र का जागरूक करे के खातिर रीवा स्वच्छ भारत के सफलता दिलवाई गई है। अपना बताए दी की स्वच्छता को लेके भारत सरकार अलग अलग मेर के प्रयास कर रही है, जौने के कारण आज छात्र छात्र खातिर स्वच्छता के संबंधित जानकारी दी गई है। साथ ही स्वच्छता के ऐप और डाउनलोड करावागा, जोने माही बतावागा कि अगर कहो गंदगी दिखाए तो तुरंत ऐप में डाला जहां से कि वहां पर मौजूद नगर परिषद सफाई करवा सके। साथ ही कार्यक्रम माही छात्र छात्रा बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। कचरा अलग अलग रख कर कचरा वाहन में ही देंगे, घर या अपने कॉलेज के बच्चों के साथ में इंटरेक्ट कर रहे थे और स्वच्छता के महत्व के ऊपर चर्चा कर रहे थे। साथ में आज उन लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि वे भी स्वच्छता ऐप डाउनलोड करके जहां कहीं पर भी गंदगी हो उसके बारे में मैसेज करें, जिससे कि पूरे हनुमाना शहर को स्वच्छ रखने में हम लोग सफल हो सकें। सन के अंतर्गत
एक तो स्वच्छता शपथ का कार्यक्रम रखा गया था और दूसरा जो स्वच्छता से संबंधित जो स्वच्छता ऐप है उसको डाउनलोड का कार्यक्रम रखा गया था। स्वच्छता विषय को लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया, वहीं साथ में एक ऐप आया है स्वच्छता संबंधित, तो उसको भी हर भैया बहन से आग्रह किया गया कि अपने अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लें। और उस ऐप्स का बड़ा अच्छा माध्यम है, मैंने भी देखा सुना और डाउनलोड भी किया कि अगर आपको कहीं गली में या कहीं बस्ती में किसी भी जगह अगर आपको कचरा दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है, तो आप उस ऐप्स से उस फोटो को क्लिक करके आप भेज देंगे तो उसमें बड़ा त्वरित कार्रवाई भी होती है। तो फिर भैया बहने आज के बुलेटिन खातिर इतना ही। अपने क्षेत्र के खबर बघेली में देखे के लाने देखत रही हमार विंध के बघेली समाचार। नमस्कार।